जब विषम परिस्थिति आ जाए, ऐसा लग रहा है कि आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का प्रयोग कर लिया, मैंने शंकर जी की आराधना कर ली, तो भी विषम परिस्थिति चल रही है, अभी तक कोई सुधार आने को तैयार नहीं है, तब शंकर जी के मंदिर में जब बेलपत्र चढ़ाने के लिए आप जाएं, तब प्रयास करिएगा कि बेलपत्र को, अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना, बोलो जम के बोलो जरा, मालूम है सबको, अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्री को डंडी वाली जो जगह है जहां से पानी बहकर जाता है उधर रखना, उसी बेलपत्री को वापस उठाना है। शिव जी के शिवलिंग पर जब बेलपत्री रखो तो डंडी का भाग, आप यहां बैठे हो तो डंडी का भाग पीछे की ओर होना चाहिए, शिवलिंग जैसे ये है तो डंडी का भाग पीछे की ओर, उसको रखकर 7 लोटा जल भगवान शंकर पर समर्पित कर दीजिए, अपने भाव को रखते हो। अगर विषम परिस्थिति चल रही है, आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का कर लिया, उसके बाद भी कार्य नहीं हो रहा, अटक रहा है किसी कारणवश, कोई फाइल मोटी है, थोड़ा समय लग रहा है, तो 7 लोटा जल का प्रयोग करें, धीरे धीरे 7 लोटा जल शिव जी को बाल्टी में भरकर ले जाए अपने घर से, 7 कलश जल शिव जी को समर्पित करना है, और समर्पित करने के बाद उस बेलपत्री को वापिस अपने ही घर पर लेकर आ जाना, 11 दिन 21 दिन उसको रखो, फिर उसका विसर्जन वापिस किसी नदी सरोवर तालाब या वृक्ष के नीचे कर दीजिए, बाबा हाथ पकड़ कर बाहर निकाल ही देगा। परिस्थिति अगर बहुत उचित विषमता, बहुत विषम परिस्थिति में उस जगह पर इसका प्रयोग कर सकते।